नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। शुक्रिया कविता, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। साल का आखिरी और अंतिम सूर्य ग्रहण इस बार 26 दिसंबर को पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नव वर्ष यानी कि साल 2020 पर भी रहेगा। ऐसे में खासकर सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहें कि सिंह राशि वालों पर कैसा रहेगा, हर पहलू पर हम गौर करेंगे, जानेंगे मयंक जी से। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान खासकर आपकी राशि के ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। जी बिल्कुल, देखिए कविता, सिंह राशि वालों की ग्रह स्थिति हम बता देते हैं। इस समय इनके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में कोई ग्रह नहीं है। फोर्थ हाउस में इनके मंगल बैठे हैं स्वराशि के, और पंचम भाव पर देखिए यहाँ 6 ग्रह होंगे, केतु, शनि, बुध, चंद्रमा, गुरु और सूर्य। ये 6 ग्रह यहाँ पर पंचम भाव पर होंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का होता है, तो यहाँ पर 6 ग्रहों का होना इन भावों को प्रभावित करेगा। और सप्तम भाव, छठे भाव में शुक्र हैं। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव में राहु विराजमान है लाभ के घर में, और द्वादश भाव भी खाली है। तो ये ग्रह की स्थिति इस समय बन रही है। देखिए, ये ग्रहण के दौरान का ये जो कुंडली है, इस समय जो भी बच्चे, जिनका भी जन्म होगा, उनके ऊपर भी ग्रहण का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव होता है। और कहते हैं कि ग्रहण के दौरान जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसको भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति रहती है, या उनको आने वाले समय में कुंडली के दौरान जिस व्यक्ति कुंडली में राहु चंद्रमा का योग होता है, केतु चंद्र का, या सूर्य केतु का, या सूर्य चंद्रमा का योग रहता है, तो उनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। तो इस दौरान जो भी बच्चे जन्म लेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की व्याधि या परेशानी देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ता है। देखिए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत को देखें तो कोई ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं इनके लिए, क्योंकि इनके लिए मंगल की स्थिति यहाँ अच्छी है, सूर्य की स्थिति लगनी है, स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपकी सेहत के लिए इसमें कोई खास परेशानी समय नज़र नहीं आ रही है। आपको यहाँ सेहत संबंधी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कोई छोटी मोटी तकलीफ को छोड़ दें, सीजनल जो प्रॉब्लम रहती है, लगन, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी समस्या सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नज़र नहीं आ रही है। इस समय आपको क्या करना चाहिए, पंचम भाव जो है हमारी संतान का है, आपको अपनी संतान की सेहत का इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को कोई सेहत संबंधी कोई छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। यानी कि एक सबसे बड़ी बात है कि ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर नहीं डालेगा, लेकिन आपके बच्चे की सेहत पर ज़रूर इसका प्रभाव रहेगा। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की सेहत को लेकर सतर्क रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम रिश्तों की। जी हाँ, रिश्तों में मिठास और मजबूत होने रिश्ते बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे होते हैं, तभी आप ज़्यादा तरक्की करते हैं, आपको सफलता हासिल होती है। और ऐसे में खासकर इस बार का जो सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ रहा है, वो आपके रिश्तों पर क्या असर डालेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, कुंडली के हिसाब से लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ 6 के 6 ग्रह बैठे हैं, तो संबंधों में खटास आ सकती है या उतार चढ़ाव बना रहेगा लव रिलेशनशिप में, या कोई रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, इससे रिलेशनशिप ख़राब होए, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। मित्रों के साथ भी इस समय संबंधों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जीवन साथी के संबंधों में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे, तो कोई ऐसी विशेष परेशानी आपकी मैरिड लाइफ में नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं या जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, वो कहीं टूट सकता है, कोई नया रिलेशन इस समय फिर नहीं बन पाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी, तो कोशिश करें संबंध को ख़राब होने से बचाएं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप उसमें आपस में बैठकर मिलजुल कर सुलझाएं। अगर कोई ईगो वाला कोई मुद्दा यहाँ रहा तो रिलेशन ऐसे समय पर टूट भी सकता है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए अपने प्रेम संबंधों को लेकर। कविता, चलिए बात करते हैं हम आपके कार्य क्षेत्र की। जी हाँ, जितने भी माने सिंह राशि वाले कारोबारी हैं और नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनके कारोबार में, उनके कार्य क्षेत्र में ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं।
देखिए ग्रहण के इस प्रभाव के दौरान उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि ही होगी, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। जो पिछले कुछ समय से रुकावटें चली आ रही थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी और उनका प्रमोशन भी हो सकता है और काम कारोबार में भी अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है सिंह राशि वालों की। बस इस समय इनको सलाह दी जाती है कि मानसिक तनाव से बचना चाहिए आपको और किसी भी काम में आपको मन लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो काम से थोड़ा हट सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो उसके अलावा कोई भी ऐसी परेशानी आपके ऊपर आने वाली नहीं है। महंगे जैसे आपने बताया ना कि जो ये सूर्य ग्रहण लगेगा 26 दिसंबर को, इसका जो प्रभाव होगा ये नव वर्ष के कुछ महीनों तक रहेगा। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि कई कारोबारी हैं जो हमेशा सोचते हैं कि नए साल में कुछ नया व्यापार करेंगे, तो क्या उनके लिए वो उचित वक्त रहेगा? देखिए अगर ये किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ये कर सकते हैं। समय इनके लिए ऐसा नई शुरुआत करने के लिए अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि समय खराब है, क्योंकि गुरु की स्थिति इनकी यहाँ बहुत अच्छी है जी। और अगर नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चलिए ये तो हमने जान लिया कि ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा, आपके रिश्तों पर कैसा रहेगा और आपके कार्य क्षेत्र पर कैसा रहेगा। अब बारी आती है विद्यार्थियों की। जी हाँ, छात्र छात्राओं पर ग्रहण का असर किस तरह दिखेगा, आइए जानते हैं। देखिए छात्र छात्राओं का क्योंकि पंचम भाव पे योग बन रहा है, विद्या बुद्धि संतान पे ये योग बन रहा है, तो केतु की वजह से यहाँ आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। केतु चंद्रमा का योग भी यहाँ रहेगा, शनि भी यहाँ है, वो योग आपको मन पढ़ाई से भटकाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वरना तो आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, या आपको अपने टीचर से भी कोई डांट सुनने को मिल सकती है, अध्यापक से। तो इस समय आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई गंभीर परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके जहाँ तक बात है शिक्षा का सवाल है, और कोई लापरवाही ना बरते। अगर आप कुछ विदेश जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, उस समय के लिए अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। जनवरी के बाद अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा उसके दौरान, यानी कि ग्रहण काल के दौरान। खासकर विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, ऐसे में ज़रूरी है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। तो ये तो हमने जाना है कि विद्यार्थियों पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, और अब बारी आती है आपके आर्थिक जीवन पर। जी हाँ, आर्थिक जीवन पर भी ग्रहण का हमेशा से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता आया है, और इस बार कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए आर्थिक स्थिति सिंह राशि वालों की पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाली है, तो फाइनेंशियली कोई भी क्राइसिस इस समय नहीं आएंगे। तो लाभ कमाने का, पैसे कमाने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। बस ये कि आपको उस मौके को भुनाना है, एक अच्छा एफर्ट करना है, मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी इस जो आने वाला वर्ष 2020 में, ये 19 के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहेगी। मेहनत इस वर्ष भी रंग लाएगी आपकी, तो कुल मिलाकर आप बेहतर प्रयास कीजिए, धन आपके पास काफ़ी आने वाला है। चलिए ये भी जान लिया कि आपके आर्थिक जीवन पर ग्रहण क्या प्रभाव डालेगा, और अब बारी आती है कि आखिरकार कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए ग्रहण काल के दौरान। देखिए ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए, खासकर अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई खटास पैदा हो सकती है, वहाँ आपको डिस्प्यूट से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी संबंधों को मधुर करना चाहिए। अगर आपके कई कलीग हैं, कोई आपके सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छी रहनी चाहिए। संतान की सेहत का इस समय आप ख्याल रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सलाह हैं, इन चीज़ों पर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बारी आती है उपायों की। जी हाँ, कुछ ऐसे सरल उपाय जिनके करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो सके, आइए ये भी जान लेते हैं मयंक जी से। देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए कि आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव के मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे विशेष लाभ मिलेगा। और ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में गलत विचारधारा नहीं रखनी चाहिए, अपने मन को सात्विक रखना चाहिए, पूजा पाठ में दिमाग लगाना चाहिए। और जो इस समय गर्भवती महिलाएँ हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहण काल के दौरान, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनकी सेहत के लिए। और कभी भी इसको नंगी आंखों से नहीं ग्रहण को देखना चाहिए, अन्यथा तो भी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आज हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण का खास तौर पे सिंह राशि वालों की जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा,
और नव वर्ष तक ये ग्रहण काल इसका चलता रहेगा, उस वक्त उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और किन छोटे मोटे सरल उपाय मेन जी ने आपको बताया जिसे करने से आप पर जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे जो अगले एपिसोड्स होंगे वो सूर्य ग्रहण से संबंधित अन्य राशियों पर आधारित होंगे। आपकी अगर सिंह के अलावा बाकी कोई और राशि बनती है तो आप हमारे अगले एपिसोड देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, उन्हें बता दूं कि अगर आपकी भी कुंडली से संबंधित कोई सवाल हो, कोई समस्या हो या फिर ज्योतिष विज्ञान से जुड़े उनसे संबंधित कोई बात, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई सवाल हो तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर के जरिए मयंक शर्मा जी आपके हर सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को एक बार फिर दीजिए इजाज़त। नमस्कार।